नमस्कार, मैं हूं फनाज और मेरे साथ हैं ज्योतिष आचार्य एस गणेश जी। और आज हम दोनों यहां पर बात करेंगे, अपने दर्शकों को बताएंगे कैसे मंत्र के बारे में जो कर सकता है चमत्कार। आपके जहन में कई बार सवाल आता होगा, क्या वाकई मौत को टाला जा सकता है? क्या अल्पायु को लंबी आयु में तब्दील किया जा सकता है? जी, एक मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र, जिसमें इतनी शक्ति है कि वो मृत्यु को भी टाल सकता है, लंबी आयु का वरदान दे सकता है। लेकिन इसके लिए आपको खास तरीके से इस मंत्र का जाप करना होगा, सही तरीके से उच्चारण करना होगा, यही हम जानेंगे ज्योतिषाचार्य गणेश जी से। लेकिन उससे पहले आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश रीवा में, जहां मौजूद महामृत्युंजय मंदिर करता है भक्तों का बेड़ा पार। मंत्र से प्रसन्न महादेव, मिलेगा असाध्य रोगों का तो पुष्टि, नहीं रहेगा अकाल मृत्यु का भय। जब शिव देंगे महामृत्युंजय मंत्र, यानी मौत पर विजय पाने का मंत्र, महादेव का वरदान पाने का मंत्र, हर संकट पर जीत पाने का मंत्र। यही वजह है कि जब इस महामंत्र का जाप होता है, गूंज उठती है धरती आकाश, रोमांचित हो जाता है सुनने वालों का तन मन। महामृत्युंजय मंत्र का जाप अगर महामृत्युंजय मंदिर में किया जाए तो इसके फल अक्षय हो जाते हैं, इसका जाप कभी खाली नहीं जाता। ये बात रीवा के महामृत्युंजय मंदिर में पूरी तरह से सच हो जाती है। इस मंदिर में महादेव मृत्युंजय के रूप में विराजमान हैं। कहते हैं यहाँ आकर भगवान के दर्शन करने और उनकी पूजा करने से न केवल अकाल मृत्यु के खतरे को टाला जा सकता है, बल्कि दीर्घायु होने का वरदान भी मिल जाता है। शिव के महामृत्युंजय रूप का ये अपनी तरह का इकलौता मंदिर है। यहाँ सुबह की आरती के साथ ही शुरू हो जाता है भक्तों के आने का सिलसिला। कोई बीमारी से परेशान होता है तो कोई मुकदमे की मार झेल रहा होता है, किसी को मेहनत के बाद भी लक्ष्मी नहीं मिलती तो किसी के बदते काम भी बिगड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ आकर मृत्युंजय महादेव के दर्शन करने भर से संवर जाती है भक्तों की जिंदगी। मेरा बालक 20 वर्ष का है, उसके हर साल जन्मदिन पे हम लोग यही कथा सुनते हैं और भगवान भोलेनाथ में मेरी विशेष आस्था है, उनकी कृपा से ही मेरे बच्चे आज पढ़ लिख रहे हैं, बेटा मैं अब बी करने जा रहा है। ये सिर्फ उन्हीं की अनुकंपा है, उन्हीं का आशीर्वाद है कि मेरा बच्चा आज इस स्थान पे पहुंचा। तो मेरे को भगवान भोलेनाथ के चरणों में विशेष प्रेम है और उनकी उनके प्रति मेरी विशेष आस्था है। कहते हैं ये मंदिर करीब 700 साल पुराना है। 16वीं शताब्दी में बांधवगढ़ के राजा यज्ञदेव सिंह जब यहाँ आए थे तब भी मृत्युंजय भगवान का मंदिर मौजूद था। कहते हैं दधीचि ऋषि ने यहाँ शिव की तपस्या का महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया था। महादेव ने उन्हें 3 वर दिए और उनके मंत्र को नाम मिला महामृत्युंजय मंत्र। रीवा के महामृत्युंजय मंदिर की महिमा न्यारी है, उनके दर्शन भर से भक्त हो जाते हैं निहाल। महादेव के चमत्कारों ने सैकड़ों हजारों भक्तों को नई जिंदगी दी है, झोली में खुशियां भर दी है और यही चमत्कार भक्तों को खींच लाते हैं महादेव के दरबार। महामृत्युंजय मंदिर का शिवलिंग सफेद पत्थर का है और पुराणों के अनुसार यदि यहाँ दूध से अभिषेक के साथ महामृत्युंजय का पाठ होता है तो ज्यादा फलकारी होता है। श्रद्धालु यहाँ पर नारियल में अपनी अर्जी लगाकर जाते हैं और पूरी होने पर वो दोबारा आशीर्वाद लेने आते हैं। रीवा से विजय के साथ अमित कुमार, आज तक।